तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है, सियासी सरगर्मियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धोक लगाने के लिए जसौल धाम पहुंचे, जहां मंत्री शेखावत का संस्थान अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसौल ने स्वागत किया। और साथ ही बता दें, जिसके बाद मंत्री शेखावत ने सपरिवार माता रानी भटियाणी की पूजा अर्चना की। इस दौरान पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह मौजूद रहे। और इस मौके पर हमारे संवाददाता थाना राम ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की खास बातचीत। राजस्थान की लोकसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं, इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत आज जसौल धाम पहुंचे, माता के चरणों में धूप लगाई, क्या कहेंगे? ये माँ का आशीर्वाद लेकर के चुनाव के इस यात्रा का आगाज आज से प्रारंभ करने वाले, कल तक होलिका का दहन होने तक होलाष्टक लगे हुए थे, इसलिए जैसी हमारी सनातन की मान्यता है, हम चुनाव को लेकर के औपचारिक शुरुआत उसके बाद ही करना चाहते थे। आज माँ का आशीर्वाद लिया, नाकोड़ा में दर्शन करके और उसके बाद आसोतरा में ब्रह्म मंदिर से मैं महाराज तुलसीराम जी से, संत शिरोमणि गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के, नागनेचा माँ से आशीर्वाद लेकर के और इस चुनाव की यात्रा का शुरुआत करेंगे, ताकि जो लक्ष्य पार्टी ने तय किया है, जो लक्ष्य नेतृत्व ने तय किया, देश भर में 400 के पार और राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें एक बड़े बहुमत से अंतर से जीते, इसके लिए माँ के दरबार में प्रार्थना। शेखावत साहब ने क्या माँ से क्या अरदास की है? मैंने आपको कहा कि जो हमारी नेतृत्व की कामना सफल हो, नेतृत्व का संकल्प सफल हो, और जिस तरह से पिछले दो बार नेतृत्व का संकल्प सफल हुआ, एक बार हम फिर सफल हों, 400 सीट जीत सकें देश भर में, और भारत को विकसित बनाने के आधारशिला रखने के इस चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से विजयी हों, राजस्थान की सभी सीटें जीते, ऐसी माँ से प्रार्थना। मंदिर की प्रतिष्ठा आगामी दिनों में होने वाली है, और निश्चित बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मंदिर का पुनरुद्धार इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी घटना के रूप में है, और निश्चित ही उसका कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ में, जिस दिव्यता के साथ में इस मंदिर का निर्माण किया गया, उसी भव्यता और दिव्यता के अनुरूप होगा। रविंद्र सिंह भाटी की नाराजगी सर साफ तौर पर देखी जा रही है। लगता कोई नाराजगी कहीं होगी, इस तरह की कहीं कोई विषय ही नहीं। थाना राम माली चचबे धड़क।